हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का हमारा वीडियो होने वाला है कि सिलाई मशीन का यूज़ कैसे किया जाता है। स्पेशली ये वीडियो बिगनर्स के लिए है, जिन्हें नहीं पता कि सिलाई मशीन का यूज़ हम किस तरह करते हैं, किस तरह हम मशीन में धागा डालते हैं और शटर किसको बोलते हैं। तो गाइस, उनके लिए होने वाला ये वीडियो, अगर जिनको सिलाई आती है तो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, बाकी जिन्हें नहीं पता कि हम मशीन में धागा किस तरह चढ़ाएंगे, शटर में डिब्बी किस तरह डालेंगे और सिलाई का यूज़ कैसे किया जाता है, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो और सिलाई मशीन को यूज़ करना सीखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम अपनी सिलाई मशीन पर आ गए हैं। ये देख सकते हैं इस तरह से ये मशीन है, और ये देखिए ये डिब्बी फिरकी है। इस तरह से हमारी डिब्बी होती है और इसे फिरकी बोलते हैं, इस तरह से देखिए। और इसमें हमें धागा डालना होता है कि किस तरह हम मशीन में धागा डालते हैं। तो ये देखिए गाइस, अब इसमें हम धागा डालेंगे जिससे भी हमें कपड़े पे सिलाई लगानी है। वैसे तो इस पे कपड़े के साथ का ही धागा डालते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इसमें दूसरे कलर का धागा यूज़ करूँगी और दूसरे कलर का कपड़ा यूज़ करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का धागा ले लिया है, और ये देखिए इस तरह की फिरकी है। पहले भी मेरा धागा ब्लैक कलर का चढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको चढ़ाकर दिखाती हूँ कि किस तरह हम धागे को इसके ऊपर चढ़ाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम धागे को खोल लेंगे, और ये देखिए इस तरह से हम इसके बीच में धागे को डालेंगे। आप धागे को हाथ की सहायता से भी डाल सकते हैं, और मशीन चलाकर इसके ऊपर कोई पेचकस ले सकते हैं, किसी की सहायता से भी आप मशीन चलाकर इसको धागे को फिरकी में भर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको हाथ से चढ़ाकर दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से फिरकी के ऊपर इस तरह धागा चढ़ जाएगा, ये देखिए इस तरह। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके ऊपर धागा चढ़ा लिया है। अब इसे हम तोड़कर ये देखिए इस तरह, यह आप देख सकते हैं। अब इस तरह ये डिब्बी में हम इसको धागे को डालेंगे, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर एक नट सा लगा होता है, ये देखिए इस तरह से। और इसके बीच में हम धागे को इस तरह फंसाएंगे, ये देखिए इस तरह हमने धागे को बीच में फंसा लिया। मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ गाइस किस तरह, ये देखिए यहाँ पर हमारा, ये देखिए इस तरह से निशान बनाते हैं जहाँ हमें धागे को डालना है। ये देखिए ये नट है, और यहाँ पे हमें धागे को डालना है। तो ये देखिए इस तरह से ये धागा डल चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखिए अब ये धागा बाहर नहीं निकलेगा। अब ये देखिए इस तरह हमारा ये शटर है, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा शटर है। और इसमें हम इस डिब्बी को डालेंगे इस तरह, ये देखिए। ये देखिए जब भी इस तरह आवाज़ आए तो आप समझ जाना कि हमारी डिब्बी आसानी से डल चुकी है। जब तक ये डिब्बी आसानी से नहीं डलेगी, तब तक आपकी सिलाई मशीन यूज़ नहीं कर सकते। ये देखिए इस तरह हमने डिब्बी को अंदर डाल दिया, ये हमारा शटर होता है। जब भी मशीन में धागा फंसता है, ये धागा सिलाई सही तरीके से नहीं आ पाती, सिलाई में खराबी आती है, तो ये इसी की वजह से होता है, ये हमारे शटर की वजह से। अब हम ऊपर की तरफ धागा डालेंगे गाइस, इस तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें धागा डालेंगे मशीन में, ये देख सकते हैं ऊपर से आप, इस तरह से धागा आएगा हमारा, और इस तरह हमारा धागा इसमें डलेगा, ये देखिए इस तरह। इसमें हमारा धागा डलने के बाद फिर हम यहाँ पर इस तरफ ऊपर की तरफ डालेंगे। ये हमारा सुई में धागा डल चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए। अब नीचे की तरफ हम घुमा के नीचे वाला धागा भी बाहर की तरफ निकालेंगे, ये देखिए इस तरह हम चलाएंगे इसको, और ये देखिए ये हमारा नीचे वाला धागा बाहर निकल चुका है, ये देखिए इस तरह से। ये हमारा नीचे वाला धागा है, और ये हमारा ऊपर वाला धागा है, ये देखिए इस तरह। और ये दोनों धागों को हम ऐसे खींच कर नीचे की तरफ इसे दबा देंगे इस तरह। अब हम कोई भी कपड़ा लेकर आपको दिखाते हैं कि किस तरह चलाएंगे हम।
ये देखिए यहाँ पर मैंने कपड़ा ले लिया है। और सिलाई लगाने के लिए हमेशा कपड़े को हम डबल फोल्ड करते हैं, कभी भी हम सिंगल कपड़े पे सिलाई मशीन नहीं चलाते क्योंकि वहाँ सिलाई सफाई से नहीं आती, इसलिए हम डबल कपड़े को घुमा लेंगे इस तरह से। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कपड़ा। ये देखिए हमने ये कपड़ा ले लिया है, अब हम देखेंगे कि सिलाई मशीन कैसे यूज़ की जाती है। तो ये देखिए इस तरह से हम कपड़े को डबल फोल्ड घुमा लेंगे। अब इस पे हम सिलाई लगाएंगे, इसको ऊपर करके इस तरह नीचे रखना है हमें। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी सिलाई लगी है। ये देखिए अब मैं आपको डबल सिलाई लगा कर दिखाती हूँ यहाँ पर। अब इस तरह हम धागे को पीछे से कट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारी सिलाई आई है। ये देखिए अगर आपको सिलाई मशीन का यूज़ करना नहीं आता तो आप इस तरह कोई भी रफ कपड़ा लेकर आप इस ऐसे सिलाइयाँ लगाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो धीरे धीरे आपका धागा बिल्कुल सीधा आने लग जाएगा। ये देखिए इस तरह से और इतनी फिनिशिंग से, आप अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस तरह सिलाइयाँ लगानी आ जाएंगी। तो गाइस यही था मेरा आज का टॉपिक कि सिलाई मशीन का यूज़ कैसे किया जाता है। अगर गाइस आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, जो भी आगे मेरे वीडियो डालने होंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।